हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल की एक और नई वीडियो पर। तो गाइस, अभी बिल्कुल एक फ्रेश न्यूज ये निकल के आ रही है कि हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने पबजी के साथ साथ 118 ऐप्स को और बैन कर दिया। तो गाइस, जानेंगे इस पूरी वीडियो में कि वो कौन कौन से ऐप हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो पढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि पबजी बैन होगा या नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा सस्पेंस चल रहा था काफ़ी महीने से। जैसा आप सबको पता है कि पहले गवर्नमेंट ने पहले कुछ ऐप्स को बैन करा था जिसमें टिकटॉक शामिल था, उसके बाद और अलग ऐप्स को बैन करा था। अब फाइनली गाइस ये न्यूज़ आ रही है कि पबजी बैन हो चुका है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने 118 ऐप्स को भी बैन कर दिया है। गाइस, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिलीज है जो कि 2 सितंबर में, यानी कि आज ही रिलीज करी गई, इसमें साफ साफ लिखा है कि उन्होंने कौन कौन से 118 ऐप्स को बैन कराया जिसमें पबजी मेन था। गाइस, तो गाइस हमारी गवर्नमेंट ने ये सारे चीनी ऐप बिल्कुल हमारे देश से बाहर निकाल के फेंके हैं। और गाइस, ये थी इस टाइम की बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ जो मैं आप तक सोच रहा था कि पहुंचा दूँ, शायद हो सकता है किसी को अभी तक नहीं पता पड़ा हो। तो गाइस, इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो जो पबजी खेलते थे, खासकर जिन्होंने अभी अभी इस सीज़न में आरपी खरीदी है, उनका सोचिए क्या हाल हो रहा होगा इस टाइम। उन्होंने तो पैसे भी अपने लगा चुके होंगे, जो टूर्नामेंट्स खेलते हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा इस टाइम। तो गाइस, अपना ओपिनियन भी कमेंट बताना, क्या पबजी बैन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।